बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के बीच एम्बुलेंस कंट्रोवर्सी में नया मोड़ आया है। पूर्व सांसद राजेश रंजन ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में एक एम्बुलेंस से बालू ढोते हुए देखा जा रहा है। पप्पू यादव वीडियो शेयर कर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूड़ी से सवाल पूछा है। पप्पू यादव ने ट्वीट पर लिखा है कि एम्बुलेंस का राजीव प्रताप रूड़ी जी बालू ढोने में बेहतर उपयोग कर रहे हैं। इसके लिए उनके पास ड्राइवर भी उपलब्ध था, लेकिन बीमारों की मदद के लिए एम्बुलेंस चलाने के लिए ड्राइवर नहीं था। इन्होंने उनके साथ एक वीडियो भी शेयर किया है। पप्पू यादव द्वारा जारी इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स भी जमकर भड़ास निकाल रहे हैं। एक यूजर्स अश्वनी कर्ण ने लिखा है कि बिहार में अब यही देखना बाकी रह गया था। बिहार की जनता को ड्राइवर की कमी बताकर आंखों में धूल झोंका जा रहा है। न जाने बिहार की जनता का कब आंख खुलेगी। बताते चले कि बिहार के सारण में शुक्रवार को राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने छुपाकर रखे गए एम्बुलेंस का खुलासा किया था। बताया जा रहा था कि यह एम्बुलेंस बीजेपी सांसद ने रखवाए थे। वहीं बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा है कि ये सभी एम्बुलेंस ड्राइवर की कमी के कारण यहाँ पर है।